नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मंच से फुट फुट कर रोने लगी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को राजनीति में एंट्री ले लिया है। अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत के पहले ही दिन कल्पना मंच से फुट फुट कर रोने लगी। बता दें, गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना ने मंच से कहा, आप सभी को हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज के दिन बहुत ही भारी मन के साथ आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसुओं को रोक लूँगी, लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझे वह ताकत मिल रही है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बोलते ही कल्पना मंच पर रोने लगी। कल्पना सोरेन जब सभी के सामने रोने लगी, तब जेएमएम कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगाने लगे। कुछ देर बाद कल्पना ने आगे कहा, आज इस जुझारू संगठन के लोगों का आक्रोश देखकर मेरे तन बदन में आग लग रही है। अगर आपके मन में प्यार और सम्मान है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए ताकि आपकी आवाज़ जेल तक जाए। इसके बाद वह हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगवाने लगी। JSSC पेपर लीक मामला 25-25 लाख में बेचा गया अमर बावरी। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी झारखंड की महागठबंधन सरकार ने जनता से किए चुनावी मुद्दे को भी झूठा साबित कर दिया है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंदर कियारी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि JSSC व CGL जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सरकार के इशारे पर 25-25 लाख रुपये में बेचा गया, जिसकी CBI जाँच होनी चाहिए। अबुआ आवास के नाम पर झांसा देकर सरकार आपके द्वार में भीड़ इकट्ठा किया, परंतु इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई कर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने की मंशा से कोसों दूर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी चुनावी मुद्दे झूठे साबित हुए हैं। जिस सरकार ने मुख्यमंत्री को ही अपराधी जैसे जेल जाना पड़े, ऐसे लोगों से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रखंड अंचल से सचिवालय तक भ्रष्टाचार हावी है, जहां थानेदार व BDO CEO की पोस्टिंग में बोली लगे, ऐसी सरकार से जनहित की उम्मीद ही बेईमानी है। झारखंड हाई कोर्ट से ईडी को राहत, SC ST मामले में कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाई कोर्ट से ईडी अधिकारियों को राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC ST का मामला दर्ज कराया था। वहीं ईडी ने अधिकारियों के खिलाफ इस एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हेमंत सोरेन ने रांची के SC ST थाने में FIR दर्ज करवाई थी। ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सभी अधिकारी ईडी जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं। चाईबासा में CRPF के जवानों ने नक्सली बंकर किया ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित कोल्हान आरक्षित वन क्षेत्र अंतर्गत तुम्बा हक्का के जंगलों में CRPF 197 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता पाई है। CRPF ने टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हक्का जंगल में नक्सली बंकर ध्वस्त किया है। इस बंकर में 8 से 10 नक्सलियों के ठहरने अथवा छुपने की सुविधा थी। इस बंकर की तलाशी लेने पर नक्सलियों का एक बोल्ट एक्शन राइफल, 15 से 20 जोड़ी जूता, ट्रैक सूट, महिला व पुरुष नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य कपड़े व भारी मात्रा में रोजमर्रा के सामान बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह की जनता को करोड़ों की सौगात। झामो के 51वां स्थापना दिवस कार्यक्रम व 586.91 करोड़ की करीब 156 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। बोर्डो स्थित हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे, जहां उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा व SP दीपक शर्मा के अलावे बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, प्रोफेसर जय प्रकाश वर्मा, निजामुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित नेताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया। इसी दौरान गिरिडीह पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें, बोर्डो हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गिरिडीह योगी टंड पहुंचा। यहां कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 66 करोड़ की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। चाय की गुमटी में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। झारखंड के दुमका से सड़क हादसे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गुमटी में एक ट्रक के घुसने से 4 लोगों की मौत हो गई।
घटना दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र में थाना से चंद कदम दूर की है। यहां एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया। इस दौरान चाय पी रहे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए सरैयाहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अभी मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। हजारीबाग में डेंटल डॉक्टर ने दो बेटियों को मार डाला। झारखंड के हजारीबाग शहर से सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के रामनगर विष्णुपुर मोहल्ले में डेंटल डॉक्टर राजकुमार ने अपनी दो बेटियों को जहर खिलाकर मार डाला। इतना ही नहीं, इसके बाद उस डॉक्टर ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, झारखंड के हजारीबाग में एक डॉक्टर ने अपने ही दोनों बेटियों की हत्या कर दी है, उसके बाद उसने भी खुदकुशी कर ली है। दुमका गैंगरेप की पीड़ित स्पेन की टूरिस्ट को मिला 10 लाख का मुआवजा। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन की टूरिस्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। चेक की प्रतिलिपि और राशि ट्रांसफर से संबंधित पत्र पीड़िता के पति को दुमका के उपायुक्त और SP ने प्रदान किया है। गैंगरेप पीड़िता के पति ने झारखंड और दुमका पुलिस की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा है कि अब तक 3 से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, यह संतोष की बात है। रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, हिनू चौक किया जाम। झारखंड की राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चे उसके नीचे दब गए, दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इससे गुस्साए लोगों ने हिनू चौक को जाम कर दिया है। घटना सोमवार की सुबह यूको बैंक के पास हुई है। मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और घायल को 10 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। अरगोड़ा के अंचल अधिकारी, रांची के CT SP और हटिया के विधायक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दीवार ढहने की घटना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई है। यहां एक भवन का निर्माण हो रहा था। रविवार की रात को बारिश होने की वजह से अचानक निर्माणाधीन दीवार ढह गई है। स्पेनिश महिला से दुष्कर्म पर हाईकोर्ट सख्त, 3 दिनों में मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने दुमका में स्पेन की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP और दुमका के SP से 7 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा है कि घटना के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई, इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए, पीड़ित महिला और उसके पति के इलाज के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची, जांच के लिए कौन कौन सी एजेंसी लगाई गई। अदालत ने दुमका SP से इस मामले में हुई कार्रवाई और जाँच की जानकारी मांगी है। कोल्हान में वन विभाग बांटेगा प्लास, ग्रामीण तैयार करेंगे रंग। इसी महीने रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। होली की तैयारियां हर ओर दिखने लगी है। रंगों में रसायनों की मिलावट लेकर हर साल संस्थाएं लोगों को जागरूक करती है और प्राकृतिक रूप से होली मनाने की अपील करती है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल के लोगों ने प्लास के फूल से बने रंगों से होली खेलेंगे। बता दें, कोल्हान में बहुतायत की संख्या में प्लास के फूल होते हैं। DFO अभिषेक कुमार के अनुसार प्लास के सूखे फूलों को जमा कर ग्रामीणों के बीच वितरित करने का निर्देश सभी रेंजरों को दिया गया, ताकि लोग प्राकृतिक रंग तैयार कर उससे होली खेल सके। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों के लोग प्लास के फूलों से हर्बल रंग तैयार करते हैं और उसी से होली खेलते हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे अपराधी। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर अंतरराज्यीय बॉर्डर सीलिंग व विधि व्यवस्था पर इंटर स्टेट बैठक सोमवार को झारखंड के देवघर सर्किट हाउस में हुई है। इसकी अध्यक्षता संताल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल व भागलपुर स मुंगेर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने की है। बैठक में कहा गया है कि लोकसभा में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी व शांतिपूर्ण मतदान कराना मुख्य उद्देश्य है। बैठक के दौरान वैसे अपराधियों की सूची आधार प्रदान की गई जो एक राज्य के क्षेत्र में अपराध कर दूसरे राज्य में भागते हुए हैं। वैसे चिन्हित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। भागलपुर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान सीमावर्ती राज्य व जिलों के थानों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने के साथ साथ उड़नदस्ता दल भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। देवघर से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र के उजाला चौक के समीप सहित
पथरौल थाना क्षेत्र के चेतनारी व बुढ़ी कुमार गांव में और देवीपुर थाना क्षेत्र के खड़कुआ गांव में छापेमारी अभियान चलाया। बिजली विभाग के फर्जी पदाधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसा में लेने के बाद ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। उनके पास से बरामद फोन व सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 22 क्राइम के लिंक मिले हैं। शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल का फैसला। लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर सोमवार को फैसला सुनाया। लोकपाल ने सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले की प्रारंभिक जाँच 6 महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ जाँच रिपोर्ट की 1 प्रति सौंपने को कहा है। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज कराया था। लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा है कि वह मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजे और जांच की प्रगति से हर महीने अवगत कराए। गिरिडीह को डेयरी प्लांट समेत 586 करोड़ की योजनाओं की सौगात। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह जिले में कुल 586.91 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 166.75 करोड़ रुपए की 57 योजनाओं का उद्घाटन किया व 99 योजनाओं का शिलान्यास किया है। मुफसिल थाना क्षेत्र के टोइंग टांड में सोमवार को डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा है कि इसका निर्माण कार्य 2 से 2.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस डेयरी प्लांट में हर दिन 50,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा। इससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूध उत्पाद के क्षेत्र में जिला आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए सरकार ने नया अध्याय लिखा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी ने सत्ता संभाली लेकिन उसने विकास के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों के संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस केस के शिकायत वार्ता में वे स्वयं शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार की सच्चाई फिर एक बार उजागर हुई है। मरांडी सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड से जुड़ा यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है जिसमें झामो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रदेश भाजपा का विकसित भारत संकल्प अभियान। प्रदेश भाजपा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के निमित्त विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत एलईडी रथ को रवाना किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झंडा दिखाकर रथ को रवाना किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रदेश के 14 लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एलईडी रथों के माध्यम से जनता को जानकारी देगी। यह भी बताया जाएगा कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार ने क्या क्या जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए मोदी सरकार समर्पित रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास हुए हैं वह ऐतिहासिक है। रथों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए प्रदेश भर से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में आमजन और विभिन्न प्रकार के संगठनों और संस्थाओं से सुझाव लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के विकसित भारत संकल्प पत्र तैयार हो रहा है। राज्यपाल ने कहा, मैं भी खेती किसानी से जुड़ा हूँ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मेरा कृषि से गहरा संबंध रहा है। मैं भी खेती की है और मेरे दादाजी एवं पिताजी भी खेती किए हैं। मेरा पूरा परिवार कृषि से जुड़ा है। मैं किसानों की समस्याओं व चुनौतियों को समझता हूँ। वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान व शोध को किसानों के बीच पहुँचाना चाहिए। राज्यपाल सोमवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2024 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें स्मरण है कि विगत दिनों एक आम महोत्सव में भाग लिया था जिसमें एक साथ कई प्रजाति के आम थे। इतने प्रजाति के आम इससे पूर्व कभी नहीं देखे थे। राज्यपाल ने कहा है कि समाचार पत्र में जापानी आम के बारे में पढ़ा। एक आम की कीमत 30,000 बताया जाता है। राज्यपाल ने कहा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को ऐसे प्रजाति के आम विकसित करनी चाहिए। लोन दिलाने के नाम पर 21 महिलाओं से ठगी।
धनबाद के गोविंदपुर की कमल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर पर लोन दिलाने के नाम पर 21 महिलाओं से हजारों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कमल फाइनेंस के मैनेजर मोहम्मद ताहिर हुसैन ने हर महिला को रोजगार के लिए 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक लोन देने का वादा किया था। इसके एवज में हर महिला से 2,000 रुपये लिए गए। धनबाद की चिरागोड़ा हीरापुर की महिला अर्चना श्रीवास्तव ने बताया है कि उसे देवघर के गुड्डू यादव ने मुलाकात कर कहा है कि उसकी कंपनी बेरोजगार और घर घर जाकर काम करने वाली महिलाओं को लोन देने का काम करती है। पलामू में 9 मार्च को लोक अदालत। झालसा के दिशा निर्देश पर 9 मार्च शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में 25,000 से अधिक मामले निस्तारण का लक्ष्य है। लोक अदालत की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीते वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में 23,500 मामले का निस्तारण किया गया था। इस बार 25,000 से भी अधिक मामले का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा, जो कोर्ट कार्य अवधि तक चलेगा। पोषण सखी ने फिर उठाई नौकरी वापसी की मांग। आंगनवाड़ी केंद्रों की पोषण सखी ने फिर से नौकरी वापसी की मांग पर संघर्ष तेज कर दिया है। सोमवार को पोषण सखी समन्वय समिति सीटू के बैनर तले समाहरणालय गेट पर दर्जनों पोषण सखियों ने प्रदर्शन व नारेबाजी कर पुनः नौकरी वापसी की मांग की है। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पोषण सखी को बहाल करना होगा आदि जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। इसी बीच मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। इस अवसर पर पोषण सखी संघ की जिला अध्यक्ष गायत्री पासवान की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा है कि पिछले दिनों कुपोषण मिटाओ अभियान के तहत झारखंड के 6 जिलों चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह और कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,388 पोषण सखी कार्यरत थी, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला केंद्रीय फंड बंद कर दिए जाने के कारण एक झटके में 2 वर्ष पूर्व झारखंड सरकार ने उन्हें काम से हटा दिया। विदेशी महिला के बाद पलामू में कलाकार से गैंगरेप। झारखंड के पलामू जिले में छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय एक मंचीय कलाकार के साथ उसके सह कलाकारों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया है। यह घटना दुमका जिले में एक विदेशी पर्यटक के साथ कथित तौर पर हुए सामूहिक बलात्कार के कुछ दिन बाद हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पलामू के रहने वाले 3 सह कलाकारों ने मंचीय कलाकार को नशीला पदार्थ देकर कार में कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। विश्रामपुर उपमंडल पुलिस अधिकारी राकेश सिन्हा ने पीटीआई भाषा को बताया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता को पलामू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। यह घटना शनिवार देर रात राज्य की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर विश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क पर हुई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।